आज हम 2020 में जी रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां आज भी 2013 चल रहा है। पूरी दुनिया से वहां का समय 7 वर्ष पीछे चल रहा है। जी हां, आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही देश है इथोपिया। इथोपिया में वर्ष भी 12 महीने का ना होकर 13 महीने का होता है। 12 महीने 30-30 दिन के होते हैं, जबकि अंतिम महीना जिसको पाग्यू में कहते हैं 5 या 6 दिन का होता है, वो भी लीप वर्ष के हिसाब से। पूरी दुनिया में जहां नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं इथोपिया में 11 सितंबर को नया साल मनाया जाता है। 7 वर्ष 3 महीने पीछे चलने वाले इथोपिया के पीछे होने का क्या कारण है, तो हम आपको बता दें कि दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है, जिसको सभी देशों ने 1582 में स्वीकार कर लिया था, लेकिन इथोपिया ने इसका विरोध किया और आज भी इथोपिया में पुराना कैलेंडर जूलियन कैलेंडर चलता है, जिसके अनुसार ईसा मसीह का जन्म 7 BC में हुआ था। इस वजह से आज भी इथोपिया में 7 साल पीछे का कैलेंडर चलता है, और वो कैलेंडर भी कौन सा है, जूलियन कैलेंडर। तो कभी आप यात्रा के लिए इथोपिया जाओ, और जब आपकी फ्लाइट उड़े तो 2020 हो, लेकिन जब आप फ्लाइट से उतरो तो 2013 मिले, तो शोक मत हो जाना। चलते चलते मैं आपको कुछ इथोपिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं कि ये इथोपिया अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा देश है, जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सबसे ज़्यादा स्थान इथोपिया से है। विश्व का सबसे गर्म स्थान दनाकिल रेगिस्तान, जहाँ का औसत तापमान 48 डिग्री रहता है, वो भी इथोपिया में है, और इस टेम्परेचर पर वहाँ के तालाब और झीलें उबलती हुई मिलेगी आपको। इथोपिया एक ऐसा देश है जिस पर किसी भी औपनिवेशिक ताकत का राज कभी नहीं रहा, जिस कारण वहाँ की संस्कृति आज भी दूसरी संस्कृतियों से अप्रभावित है और वो पुरानी संस्कृति को बचाए हुए है। आपको जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही नई जानकारियाँ लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।